जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा तो दोस्तों आपको पता चलें कि किसी भी अच्छी लंबी तहरीर के अलावा ही बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि फ्रीलांसर जो हैं, जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि एक फ्रीलांसिंग मतलब साइट है जिसे फ्रीलांसर कहते हैं। freelancer.com पे एक मेरे साथ एक अजीब हरकत हुई। मुझे पिछले दिनों एक प्रोजेक्ट मैसेज आया कि ये बंदा मुझे प्रोजेक्ट अवार्ड करना चाहता है, और बाय मिस्टेक मैंने वो उस बंदे का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया फौरी तौर पे, ये देखे बगैर कि उस प्रोजेक्ट में क्या है। खैर मैं बिड कर रहा था तो मैंने कहा शायद ही वही बिड है जिस पे मैंने ऑलरेडी बिड की, मतलब ये वही है वो प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ जिस पे मैंने ऑलरेडी बिड की है। खैर तो बिड तो मैंने की हुई थी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ये आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पे कि एक बंदे ने ये मुझे प्रोजेक्ट भेजा है, ठीक है, क्लिक दिए सब बटन। मैंने साथ ही कुछ सोचे से, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर आ नहीं रहे थे, मैंने साथ से कुछ सोचे समझे बगैर ही उस पर क्लिक कर लिया। $25 का ये प्रोजेक्ट था, मुझे $20 मिलने थे, एक्सेप्ट कर लिया। उसने मुझे कंप्यूटराइज सेव्ड मैसेज भेजा, मैंने एक्सेप्ट किया। फिर मैंने प्रोजेक्ट की डिटेल देखी बाद में, गलती मेरे साथ ये हुई कि मैंने प्रोजेक्ट की डिटेल नहीं देखी। दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं जिनके ऊपर एड्स पोस्ट होती हैं, और एड पोस्टिंग में आप लोगों को ये होता ही है कि एक 1.5 मिनट की ऐप होती है, ऐड होती है, उसको आपने देखना होता है। वो ऐड देखो, उसे नेक्स्ट करो, फिर ऐड देखो, फिर नेक्स्ट करो, और रेफरल तरीके से वो रेफरल बनाने होते हैं, डिफरेंट अकाउंट से आप अकाउंट बनाते जाओ, रेफरल करते जाओ। ये सारी गेम उस मतलब ये सारा अवार्ड जो मुझे हुआ है प्रोजेक्ट, ये सारा वो गेम थी। जो ही मैंने ये जो लिंक आ रहा है मुझे, ये वाला लिंक आ रहा है, इस पर मैंने ओपन किया और इसे ईमेल भी की कि मैंने लिंक बना ली है। तो फिर उसने ईमेल मुझे की कि इसके मुझे 2,000 रेफरल चाहिए, अब 2,000 बंदों को ये भेजो और वो मुझे रेफरल करेंगे, वो उस रेफरल से ये आप 2,000 बंदे अकाउंट बनाएंगे। मैं तो बड़े लंबे चौड़े गेम में फंस गया। खैर मैंने इन शॉर्ट आपको बताऊँ इतनी लंबी चौड़ी बात क्या तानी, मेरे साथ हुआ ये कि मैंने इन मतलब प्रोजेक्ट पे मैंने काम करना बंद कर दिया। 8-9 घंटे गुजरे हैं और मुझे मैसेज आ गया कि इस बंदे ने प्रोजेक्ट मुझसे ले लिया, लीव कर दिया इसने, जो मुझे अवार्ड किया था लीव कर दिया। मैंने चेक किया, सबसे पहले तो मैंने इस बंदे का अकाउंट चेक किया, इस बंदे ने अकाउंट रिमूव कर दिया था, ठीक है। इस बंदे के अकाउंट रिमूव करने से हुआ ये, मेरी प्रोफाइल पे बैड मतलब रिएक्शन हो गया, इफेक्ट बैड हुआ सारा। तो वो किस तरह बैड हुआ वो ये देखें आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी 50 बिड्स पेड ली हुई हैं, मैंने मेरे पास 50 बिड्स हैं कि मैं पेड कर सकता हूँ, 50 लोगों को बिड कर सकता हूँ, ठीक है। उससे पहले भी मेरे कुछ 2-3 ऑर्डर थे, वो प्रोजेक्ट हो भी गए थे, वो मैंने विड्रॉ भी करवा लिए थे। अब लास्ट ये जो हरकत हुई है, ऐसे ही हुआ ये कि माइनस में मेरा अकाउंट चला गया, -$5 यहाँ पे आ गया। मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान। फिर मैंने यहाँ पे इनका जो सपोर्ट सेंटर है, जो आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट सपोर्ट, मैंने इनको मैसेज किया, उन्होंने बताया कि आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट को देखना था, डिटेल देखनी थी, अगर आपको सही लगता तो आपने उसे एक्सेप्ट करना था, वरना आप एक्सेप्ट नहीं करते। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी ऐसी गलती मत कीजिएगा, प्रोजेक्ट अगर आपको कोई आता है तो आप उसे गौर से पहले देखें, पढ़ें, समझें क्या वो कह रहा है, क्या चीज़ है, क्या करना है, क्या नहीं करना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट ठीक है, तो आप उस पर बिड करके या उसे एक्सेप्ट, डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, या कोई फर्दर उसे रिक्वेस्ट भेजनी है वो भेज सकते हैं। लेकिन इस एकदम उसे मेरी तरह ना बिल्कुल भी आप ऐसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा, नहीं तो वो करते क्या हैं जो मतलब सेल बायर होते हैं, वो डायरेक्ट फेक अकाउंट बनाया हुआ था उन्होंने, डायरेक्ट आपके अकाउंट में वो डालते हैं, इस कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं ऑर्डर, और वो डिफरेंट बंदों को मैसेज करते हैं। होता ये है कि ना वो उनका पेमेंट मेथड अप्रूव्ड होता है, ना कुछ ऐसा हकीकत होती है, ना उन्होंने को अपना नाम रखा था, ना तस्वीर लगाई होती है, फिर हम किसे क्लेम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।